देखिए बात ऐसी है, हम जो सिद्धांत बोलते हैं वो महाराज जी का सिद्धांत बोलते हैं और उस सिद्धांत के अनुसार आपको चलना है। गुरु कौन है वो आपके सामने है, मैं केवल गाइड करने के लिए आपको यहाँ पर मौजूद हूँ, उन बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि इतनी विकृत है, इतनी कमज़ोर है कि संत की वाणी सहजता से नहीं समझ सकती। महाराज जी भी कहा करते थे कि संत ही जाने संत कर भाषा, रसिक वाणी रसिक बिना को समझ सके ना। अतएव भगवान की वाणी वास्तविक रसिक ही समझा सकते हैं। इसी कारण से महाराज जी ने जैसा समझाया मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उसको ग्रहण करके आपको वही समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके समझने में कुछ त्रुटि हुई हो तो उस अनुसार मैं आपको फिर से गाइड करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि प्रवचन तो महाराज जी का तमाम लोग सुना करते हैं लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण किया करते हैं। फिर धीरे धीरे सत्संग करते करते कीर्तन करते करते उनके भीतर जब भक्ति भाव उत्पन्न होता है तो उस भक्ति भाव में जो भी कार्य होते हैं वो ठीक ही होते हैं, वो फिर एक प्रेम अपने आप सब चीज़ें ठीक करवा देता है। तो रही साधना की बात, तो साधना अवश्य आप मेरे गाइडेंस में करेंगे लेकिन जो नियम होंगे वो महाराज जी के ही रहेंगे। आशा करता हूँ कुछ संतोष हुआ।